हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आज मैं आपको अपनी टेरेस को दिखा रही हूँ। ये टेरेस पे मैंने ये मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है, जो कि देखिए एकदम छोटे से गमले में लगा हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको क्लोज इसका दिखा रही हूँ नज़दीक से, कि इतनी इसकी लीव्स कितनी ग्रीन और कितनी फ्रेश है। काफ़ी बड़े बड़े लीव्स आ गए हैं मेरे प्लांट्स में, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही टेम्पटिंग, मतलब देख के मन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। लेकिन पहले मेरा प्लांट्स ऐसा नहीं था, ये इसीलिए मैं आज अब वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, कि भाई शौक तो सबको होता है छोटे से जगह में प्लांट लगाने का, लेकिन कभी कभी हम लोग उसकी ठीक से केयरिंग नहीं करते हैं, हम लोगों को पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती है प्लांट्स के बारे में, जिससे हम लोग सोचते हुए भी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि अपने प्लांट्स से बहुत प्यार करते हैं, जो कि केयरिंग कर पाते हैं, लेकिन टाइम की कमी के लिए और पूरी जानकारी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो अपने प्लांट्स को चाहते हुए भी नहीं केयरिंग कर पाते, उनके प्लांट्स नहीं अच्छे लगते हैं। तो आज मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, ये आप जानते हैं ना, किचन में हम लोग रोज़ दाल बनाते हैं, तो ये मैंने दाल ले लिया है थोड़ा सा। इसको अब हम 2 से 3 पानी धुल लेते हैं, और इस पानी को फेंकना नहीं है, इसको आप किसी बर्तन में कलेक्ट करते जाइए। अब देखिए, इसको मैंने एक पानी धो लिया है, अब इसको 1-2 पानी और मैं धो लेती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कहाँ अपने प्लांट की बात कर रही थी और मैं चली आई किचन में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों का कनेक्शन है, और ये बहुत गहरा कनेक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम ये जो डेली इस पानी को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, अब इसी को कलेक्ट करना है। अब इसके बाद डेली दाल तो हो गई भाई, धुला गई, अब ये डेली का है चावल, अब इसको भी हम ऐसे ही धुल लेते हैं और इसी पानी से धोएंगे, जिस दाल का पानी लिया था ना, बस इसी से ही धोना है। और काफ़ी अच्छी तरीके से आप रगड़ रगड़ के इसको धो लीजिए और इसको किसी बर्तन में कलेक्ट करते जाइए। मैं आपको आज ऐसा नुस्खा बता रही हूँ कि इससे आपको ना कोई मार्केट जाने की ज़रूरत है, ना एक पैसा लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल घर के वेस्ट इस चीज़ से आपके प्लांट काफ़ी अच्छी से हरी भरी रहेंगे। ये जो पानी हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं ना, बस इसी का यूज़ करना है। अब इसको हमने कलेक्ट कर लिया, अब इसको क्या करना है, अब चलिए अब इसको लेके चलते हैं अपने टेरेस पे। ये मैं आ गई टेरेस पे, और ये देखिए मेरा प्लांट का पौधा है ना, बस अब इसकी रूट में हम इस पानी को धीरे धीरे करके हम पूरा डाल देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से पूरा एब्जॉर्ब कर ले। बिल्कुल हम लोग जो ये पानी दोस्त, अब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये देखिए इसके लीफ है ना, पहले ये देखिए मेरे छोटे छोटे थे, अब ये मैं तकरीबन ये 15 दिन से इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मेरे जितने भी प्लांट्स की पत्तियाँ आ रही हैं नई, काफ़ी चौड़ी चौड़ी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीव्स आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। ये देखिए काफ़ी ये सब नई ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी हो गई है। ये देखिए पहले, अब इसके रूट में भी अंतर आया है। ये देखिए, ये पहले बहुत पतले पतले थे, अब जो नई पत्तियाँ आ रही हैं, इसके रूट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और काफ़ी लाइट शाइनिंग दिए हुए हैं। जिस पानी को हम लोग वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, वही हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो हो गई ना एक पंथ दो काज, बिल्कुल आपका पानी भी वेस्ट नहीं हुआ और हमारे प्लांट्स के लिए खाना पानी भी हो गया, देख रहे हैं ना। देखिए कितनी अच्छी तरह से लग रही है। ऐसा मैं जब से करने लगी, मेरे फ्रेंड्स पूछने लगे कि भाई बताओ आपके मनी प्लांट, हम तो इतनी केयरिंग करते हैं तो भी आजकल गर्मियों में भी हमारी एकदम प्लांट सूख जा रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, हम लोग तो खाद वगैरह भी डालते तो भी नहीं हो पाता है। तो बस समझ लीजिए, मैं ये वीडियो उन सभी बहनों के लिए बना रही हूँ, जो कि अपने प्लांट्स की टाइम नहीं होते हुए भी भाई एक पैसा लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, और आप घर के वेस्ट से ही इसको आप अपने प्लांट्स को काफ़ी हरा भरा सुंदर बना सकते हैं, बिल्कुल 1 रुपए के खर्च में भी नहीं, बिल्कुल 1 रुपए भी आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आज आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों से शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि भाई सभी कोई चाहता है कि हाँ उनका प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगे बिना पैसा लगाए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और भी ऐसे जानकारी से भरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, आने वाले वीडियोस में और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेके, हाउस टिप्स और प्लांट्स टिप्स लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए मेरा प्लांट्स आप देख लीजिए, ये देखिए मन तो करता है यहीं चेयर लगा के बैठे ही रहूँ।